दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी हिदायत। 18 साल से कम उम्र वाले अपराधी इस चीज का शौक न रखें। लाइसेंस इसके लिए नहायत ही जरूरी है। हवाई फायरिंग से हमेशा इज्तनाब रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है ठीक होंगे। अफरीदी गन व्लॉग में खुश आमदीद। आज आप लोगों के इल्म में कुछ इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से दोस्त कहते हैं कि अफरीदी भाई, हमें वहाँ से ये चीज़ मतलब कम मिल रही है, कम रेट में, और ये चीज़ वहाँ पे फिर ज़्यादा है, तो ये क्या वजह हो सकती है? वजह मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अक्सर सुनते हो कि लोकल चीज़, वो लोकल चीज़ और फिर ए प्लस में क्या फ़र्क होता है, ये आप लोगों को दिखाना और बताना मकसद है। अच्छा, पहले करते हैं इसके बारे में बात। ये है इंटरचेंजेबल, ठीक है, फुली इंटरचेंजेबल ए प्लस जिसे कहते हैं, जो बेहतरीन चीज़ है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ये आप लोग चेक कर सकते हो, जिस तरह ओरिजिनल नोरिंको होती है ना, सेम उसी तरह इसका चाल चलन, चैम्बर का चाल चलन, इसकी लोक सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ। दूसरी होती है लोकल, जो जिसका दिल करे तो चले और ना चले, मतलब जो अक्सर जिसकी वजह से लोकल बदनाम है, ये वो चीज़ है जो इसको कहते हैं होलसेल वाला माल। होलसेल वाले माल का मतलब ये होता है जो दुकानदार लोग यहाँ पे आके यहाँ से होलसेल में उठा देते हैं, 12, 20, 30, 50 पिस्टल उठा लेता है होलसेल के हिसाब से, फिर जाके वहाँ पे बेच लेते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी खास नहीं होती। एक होती है इंटरचेंजेबल, जिस पे कारीगर मेहनत करता है। मसलन इंटरचेंजेबल अगर एक पिस्टल 4 से 5 या 6 दिन में बनती है, तो दूसरी लोकल पिस्टल उसी 4, 5, 6 दिनों में 3 से 4 बनती है, यानी इतना फर्क होता है। अच्छा, इंटरचेंजेबल ए प्लस जो होती है ना, उसका कारीगर क्या करता है, जो स्पेशल मटेरियल होता है वो मिलिंग वाले के पास लेके उससे जोड़े बनवाता है अपने मर्जी के मुताबिक, यानी स्पेशल जोड़े, फिर उस पर काम, फिर उसका इंटरचेंजेबल का मतलब ये है कि उसका एक एक पार्ट इस तरह लेके आते हैं जैसे ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल पार्ट्स भी फिर आप उसी ए प्लस इंटरचेंजेबल पे आप चला सकते हो और लोकल पे नहीं। लोकल का क्या होता है कि वही कारीगर जाके बाजारी जोड़े उठवा लेता है, 1, 12 या 20 जोड़े उठाते हैं और उसमें से लगा हुआ है और काम बनाते हैं। वो कहने का एक मिसाल है ना, कहावत है कि मेरे घर से जाए बाड़ में जाए, वही बस वो बना लेते हैं, दुकानदार के पास लेके जाता है और बस कुछ कम मुनाफा कमा के बेचवाता है। और जो इंटरचेंजेबल होता है उस पर टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होता है, और वो होते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, जो बंदा अपने, एक तो होती है तिजारत के लिए, लोकल होती है तिजारत के लिए, ए प्लस इंटरचेंजेबल जो होती है उन्होंने सेफ्टी पर्पज़ के लिए होती है, जो बंदा अपने पास रखे। तो इन दोनों में ये फ़र्क होता है, ठीक है। फिर आप खुद सोचिएगा, एक चीज़ पे टाइम ज़्यादा ज़ाया होता है, उसमें सामान कीमती लगता है, उसमें बैरल कीमती लगता है, ठीक है, तो उसका रेट तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा, दुगना होगा। और एक होता है लोकल, जिसका आम मटीरियल है, जल्दी जल्दी कारीगर बनवा लेता है, वो जितना ज़्यादा बनवा लेता है उतना मतलब उसको फ़ायदा है, क्योंकि वो तो लोकल चीज़ है और उसको बस कमाना है, वो तो कमाने के चक्कर में है, ठीक है। तो फिर तो रेट में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा, एक चीज़ पे 4 से 5 दिन ज़ाया होते हैं और एक चीज़ 4-5 दिनों में 3 बनती है, तो रेट और क्वालिटी में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। उम्मीद है आप लोग अब समझे होंगे कि लोकल ए प्लस में क्या फ़र्क होता है, इंटरचेंजेबल और लोकल में क्या फ़र्क होता है, मटेरियल का, ठीक है, सारी मटेरियल का, कारीगर का। अच्छा, जो लोकल होते हैं ना, उसका कारीगर इंटरचेंजेबल के कारीगर के मुकाबले में शागिर्द होता है, उसका इतना तजुर्बा नहीं होता, उसको इतना इलम होता है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो टाइम पे मिले। तब इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।